गणेश भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शिव पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम आप लोगों को शिव चर्चा की एक अद्भुत कथा सुनाएंगे। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा पूरा सुननी चाहिए। अगर आप शिव भगवान की यह कथा पूरा सुनेंगे तो आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर शिव और पार्वती जी रहते हैं, वहीं निवास है भगवान शिव जी का। तो पार्वती जी कही कि भगवान इस जंगल और कैलाश पहाड़ बर्फ में हम ऊब गए हैं रहते रहते, हमारा मन करा थोड़ी से घूमने का। सोचते हैं सरस्वती और लक्ष्मी के यहाँ थोड़ा मिल आए। तो शिव जी कहें अच्छा तुम्हारी मर्जी, तो जाओ सरस्वती और लक्ष्मी से मिल आओ। तो पार्वती जी सरस्वती और लक्ष्मी से मिलने गई। तो औरतों का स्वभाव होता कि अपने अपने पति का गुणगान करती हैं। तो पार्वती जी कहीं हमारे भोले बहुत भोले हैं, दिन भर ध्यान मग्न रहते हैं और अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। अगर कोई भी भक्त उनकी किसी भी इच्छा से तपस्या करता है तो उन्हें प्रसन्न होते हैं, तो उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके सारे कष्ट निवारण करते हैं। तो जो है लक्ष्मी जी वो भी अपने पति का खूब गुणगान करने लगी, कहीं हाँ हमारे भी पति की धरती पे लोग बहुत पूजा अर्चना करते हैं। सरस्वती भी कहीं हमारे भी पति की बहुत गुणगान होता है धरती पर, उनकी भी लोग बहुत तपस्या पूजा करते हैं। तो पार्वती कहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आपके पति का क्या है, अगर कोई साक्ष प्रमाण दीजिए तो माने। तो पार्वती जी कहीं कि ठीक है, इसके लिए सरस्वती लक्ष्मी को क्या करना चाहिए। तो कहीं ठीक है, अगर आप प्रमाण मांग रही हो तो बताओ क्या करें। तो पार्वती जी कहीं कि देखो तुम दोनों धरती पर जाओ मृत लोक में, और वहाँ आम आदमी की तरह एक साल रहो और देखो कि धरती पर लोग कैसे तुम्हारे पति की पूजा अर्चना करते हैं और विश्वास करते हैं और सबकी दुख दूर करते हैं। तो जहाँ पति के सम्मान की बात थी वहाँ जो है लक्ष्मी और सरस्वती तैयार हो गई कि हम धरती पर जाएंगे। समस्या इस बात की हुई कि अब ये देवी देवता धरती पर रहें तो कैसे रहें। तो पार्वती जी से सरस्वती और लक्ष्मी बताओ बहन हम वहां रहेंगे कैसे धरती पर, क्या करेंगे। तो पार्वती कहीं चिंता ना करो बहन, वहां तुम लोग जो है गो सेवा करना, उसी से जो धन मिलेगा दूध दही उसी से अपना पालन पोषण करना और आम आदमी की तरह से जीवन बिताना और देखना कि तुम्हारे पति की लोग कितना पूजा अर्चना कर रहे हैं और किनका दुख दूर कर रहे हैं, किन भक्तों का। वो तैयार हो गई, लक्ष्मी आई और वे दो गाय और दो भैंस लेके दूध बेचती थी, अपना पालन पोषण करती थी आम आदमी की तरह से, जैसे लोग मानव धरती पर रहते वैसे रहने लगी। सरस्वती भी अपना दो गाय लेके पालन पोषण करती, उसी से जो पैसा मिलता दूध बेचती उसी से अपना पालन पोषण करती। कुछ दिन हुआ तो पार्वती कही बहन लक्ष्मी तुम तो धरती पर गाय पाली हो भैंस पाली हो, थोड़ा घी बेच दो जहां से हमें पूजा उजा करना तो काम है। अब लक्ष्मी तो घी निकालती नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव ही होता है धन वैभव काम करना तो होता नहीं है। अब उनके पास घी था नहीं, लेकिन क्या करें कैसे कहें मेरे पास घी नहीं है। कहीं लक्ष्मी के पास कहीं लक्ष्मी बहन इज्जत की बात है हमसे कोई घी मांगा, 1 किलो घी दे दो, हम घी निकालते नहीं थे, 4 दिन में घी निकाल के दे देंगे, हमारे पास 2 भैंस 2 गाय है। सरस्वती जो है दे दी लक्ष्मी को घी और लक्ष्मी घी दे दी पार्वती जी को। इस तरह से सरस्वती 1 महीने 2 महीने 3 महीने देखती गई कि अब हमारा लक्ष्मी घी लौटाएंगी, अब लक्ष्मी घी लौटाएंगी। लेकिन लक्ष्मी जब घी निकाले तब तो लौटाए, लक्ष्मी को अपने सिंगार उंगार से समय कहाँ मिलती थी, वो दूध बेच देती थी, घी तो निकालती नहीं थी। तब सरस्वती सोची कि इस तरह तो धीरे धीरे 1 साल पूरा हो जाएगा और लक्ष्मी और हम लोग चले जाएंगे फिर देवलोक, तो घी तो हमारा मिलने से रहा। इस बार कहीं लक्ष्मी से सरस्वती की बहन हमारा घी लौटा दो। तो लक्ष्मी कहीं कब हम तुम्हारा घी लिए, आखिर क्यों तुमसे घी हम लेंगे, तुम्हारे पास 2 गाय मेरे पास 2 भैंस 2 गाय। तो सरस्वती कहीं अब इस तरह से तुम नहीं मानोगी,
हम लोगों को पार्वती भेजी हैं, चलो हम पार्वती के पति शिव से ही इसका निर्णय करा लेते हैं कि हम घी लिए थे कि नहीं। अब जो है दोनों लोग सरस्वती और लक्ष्मी शिव भगवान के यहाँ गई कि हम, वो कहती थी कि हम घी दिए हैं, वो कहती थी हम लिए ही नहीं है। शिव भगवान करे तो कैसे परीक्षा लें कि कौन सही कौन झूठ। शिव भगवान कहे ठीक है, अगर तुम कह रही कि हम नहीं लिए हैं, तुम कह रही लिए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है जाने दो। इसके बाद शिव भगवान कहे पर लक्ष्मी जी 1 किलो घी हमको भी देना, तुम्हारे पास तो 2 भैंस 2 गाय हैं, तुम्हें तो घी की कमी नहीं है। अब जो है लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई, क्योंकि लक्ष्मी जी को घी तो निकालने आता नहीं था, वो तो अपना सुख वैभव में बिजी रहती थी, बस ऐसे दूध बेच देती थी। तब जो है लक्ष्मी जी शिव भगवान से माफ़ी मांगी और कही, बोले भगवान जी हमें तो घी निकालने आता ही नहीं था, तो हम घी निकाले कैसे, इसलिए हमारे पास घी नहीं था। और सही में हम सरस्वती से घी लिए थे, लेकिन हमें आता नहीं था, निकाले कैसे, इसलिए हमने झूठ बोला। इस प्रकार जो है फिर जो शिव भगवान कहें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अब पता चल गया किसके पति की कितनी महात्मा है, पार्वती जी बोली। इस प्रकार जो है 1 साल पूरा करके सरस्वती और जो है लक्ष्मी अपने देवलोक चली गई। और इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जितने ज़्यादा भोले शिव भगवान हैं, किसी की पुकार सुनते हैं, उतने ज़्यादा और कोई भगवान नहीं जहाँ जो किसी की पुकार सुनते हैं। इसीलिए तो भगवान शिव को आशुतोष कहा गया, वो बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरा कर देते हैं। अगर कोई किसी भी मुश्किल में हो और श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत या 16 सोमवार रखे, ओम नमः शिवाय करे, तो चाहे कोई भी गरीबी दुख बीमारी हो, मेरा विश्वास है कि भगवान शिव जरूर उसका वो कष्ट दूर करते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे भगवान भोले की कृपा उतने ही आपके बरसेगी। ओम नमः शिवाय।